ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी ऑफ द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द क्लास सिक्स। तो इस एक्टिविटी में हमने एक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो एक्टिविटी है, बेस करती है हमारी जो डीकेंटेशन के ऊपर, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन। तो ये चार चीज़ें हम इस एक्टिविटी में देखें। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक्स लाइक सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। पहले देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड हेयर आर वाटर, स्पैचुला फॉर स्टीरिंग द मटीरियल, अ बीकर, सम सैंड इम्प्योरिटीज, किचन कॉमन सॉल्ट, फिल्टर पेपर एंड अ फनल। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी नाउ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बीकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, नॉर्मल वाटर जो है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पानी आ गया, ग्लास बीकर है। उसके बाद इसमें ये हमारी जो किचन सॉल्ट होता है इसको मिक्स करेंगे। तो इसको मिक्स करना है जब तक ये कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। तो नाउ द सॉल्यूशन इज क्लियर, किचन सॉल्ट जो है हमारा इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें इम्प्योरिटी डालनी है हमने, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड इम्प्योरिटीज। तो दीज आर द इम्प्योरिटीज मिक्सड विद इट। तो एक्टिविटी में हमारे यहाँ है जो कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, कि पहले हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ओके, तो दिस वन इज द मिक्सिंग ऑफ द मिक्सचर। तो अब क्या है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वी लेफ्ट दिस मटेरियल फॉर सम टाइम ताकि जो इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सैंड की इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सेटल डाउन हो जाए नीचे। तो काफ़ी इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन हो भी चुकी हैं। तो इट टेक्स सम टाइम फ्रॉम 5 to 10 minutes टू सेटल इट डाउन। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देंगे। समटाइम्स थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया है, अगर आप देख सके सैंड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स नीचे सारे सेटल डाउन हो गए हैं। इस चीज़ को हम बोल देते हैं सेडिमेंटेशन, जब हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और इस सॉल्यूशन में सॉल्ट और सैंड दोनों मिक्स्ड हैं, सॉल्ट सैंड और सम इम्प्योरिटीज। तो सॉल्ट जो है ये सॉल्यूशन में मिक्स रहता है, लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं सैंड के वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अब इसको हम ये फिल्टर पेपर की हेल्प से, और ये हमारे पास फनल है, फनल की हेल्प से फिल्टर करेंगे ताकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएं। उससे पहले जो प्रोसेस है कि इसका ऊपर का पानी जो है, सारी इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल हो गई हैं, जो ऊपर ऊपर पानी है इसको हम रिमूव कर देंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीकेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं उसे। तो ये है हमारा फिल्टर पेपर एंड दिस वन इज़ दी एम्प्टी बीकर। तो इसको अब स्लोली स्लोली इसमें डालेंगे ताकि नीचे की इम्प्योरिटीज ना जाएं। तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं डीकेंटेशन। डीकेंटेशन में क्या करते हैं कि ऊपर के मटेरियल को हम निकाल देते हैं सारा। तो इट टेक्स सम टाइम्स के पानी थोड़ा सा फिल्टर हो जाए नीचे, इट गोज़ आउट स्लोली, और इम्प्योरिटीज़ जो हैं हैवी इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाती हैं, तो बड़े ध्यान से उसको रिमूव करना पड़ता है। देख सकते हैं कि हैवी इम्प्योरिटीज इसके नीचे ही पड़ी हुई हैं। तो ये स्लोली स्लोली रिमूव होता रहता है इसमें से। और सिर्फ सॉल्ट डिसॉल्व वाटर ही इसके अंदर रह जाएगा, जिसमें सॉल्ट डिसॉल्व रहता है, बाकी का सारा नीचे फिल्टर होकर निकल जाता है। तो इम्प्योरिटीज ज़्यादा होने की वजह से फिल्टर पेपर चोक हो जाता है ऐसे। थैंक यू। थोड़ा सा इसको
तो ये हमारे पास नीचे सैंड पार्टिकल्स सेटल हो गए हैं और ये हमारे पास एक क्लियर सॉल्ट डिसॉल्व वाटर मिल गया है। यहाँ पे फोकस करो कि ये हमारे पास सॉल्ट डिसॉल्व वाटर है जो हमारे पास मिल गया है। तो इसको अब मैं साइड पे ही रख देता हूँ, बाकी का ये अपने आप होता रहेगा। इसमें थोड़ा सा फटा हुआ है। तो इस प्रोसेस में अब हमारे पास ये सॉल्ट डिसॉल्व वाटर है जिसमें सैंड इम्प्योरिटीज़ नहीं है। इसमें से सॉल्ट अलग करने के लिए फ्रॉम दिस वाटर वी विल रिमूव द सॉल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इसको थोड़े टाइम के लिए हम रख देंगे, फ्रॉम अराउंड वन डे। और यहाँ अगर जल्दी से करना हो तो गैस बर्नर के ऊपर रख के भी कर सकते हैं कि गैस बर्नर के ऊपर पानी को इवेपोरेट करा दें। सो दिस वन इज़ माई क्लास, दैट इज क्लास स्टैंडर्ड 6। तो आज इनकी ही एक्टिविटी परफॉर्म की गई है अबाउट सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। एंड हेयर इज द स्टूडेंट देवांश, जिन्होंने हेल्प की है मेरी टू होल्ड द कैमरा एंड टू फोकस इट एट राइट प्लेस। इनकी अपनी भी यूट्यूब आईडी है, क्या नेम है क्या आईडी का बेटा? देवांशु कुमार। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।